Good morning, dear all. Our today's topic is animal movements. Lesson number 11. Okay, this is lesson number 11, animal movements from your GK book. तो अब हमने इसमें क्या देखना है, एनिमल्स के मूवमेंट्स देखने हैं कि कौन से एनिमल्स का क्या मूवमेंट होते हैं. ठीक है ना, सारे एनिमल्स जो होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होता है. सबके सेम नहीं होते हैं, कुछ के सेम होते हैं लेकिन बाकी वो डिफरेंट ही होते हैं. ठीक है ना, हर टाइप के एनिमल्स के, ध्यान से सुनना, हर टाइप के एनिमल्स के अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है ना, अगर मछली है तो पानी में वो तैरेगी, वो हवा में उड़ेगी तो नहीं, है ना. तो ये डिफरेंस होता है ना एनिमल्स के मूवमेंट्स में, होता है ना. तो बस हमें यही पता लगाना है आज और यही पढ़ना है कि किस एनिमल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है. ठीक है ना, तो सबसे पहले बता दूँ मैं, ये लेसन नंबर 11 के बाद, अब जीके में टर्म 1 में हम सिर्फ इतना ही करेंगे. इसके बाद अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी सिर्फ इतना आएगा जितने कि आपने वीडियोस देखे हैं. ठीक है, जिसमें वीडियोस नहीं बने हैं वो चैप्टर्स नहीं आएंगे. ये मैंने पहले भी बता दिया था, अब फिर एक बार क्लियर कर देती हूँ. 30% चैप्टर सिलेबस में से, जब हमने टोटल में से 30% लेस किया था तो कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं. तो उसमें ये हुआ है कि आपके कुछ चैप्टर हट गए हैं, जैसे आज हम लेसन नंबर 11 कर रहे हैं. ठीक है ना, अब इसके बाद के हम नहीं करेंगे, अब इसके यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे. यहाँ पे हमारा टर्म 1 हो गया. ठीक है, तो आज समझ लो आपका ये लास्ट वीडियो है. उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है और घर में अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन करना. ओके ओके, आई होप क्लियर हो गई होगी बातें. एक बार और जब वीडियो ओवर होगा तो एक बार और क्लियर कर दूंगी. ठीक है ना, चलो अब हम आते हैं सीधा हमारी एक्सरसाइज पे कि हमने करना क्या है. ओके देखो, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स ऑल्सो मूव लाइक अस. अच्छा देखो, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, हमारे पास पैर दिए हैं भगवान जी ने हमें, है ना, चलने के लिए. ठीक है, बाय लेग हम कहाँ जाते हैं, अगर हमें एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाना है, यहाँ से वहाँ चलना है, तो किसका यूज़ करते हैं, पैर से जाते आते हैं ना, हम करते हैं ना, हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं. वैसे वैसे एनिमल्स के भी पैर होते हैं, वो भी चलते हैं, है ना, वो भी चलते हैं हमारी तरह, यहाँ से वहाँ घूमते घामते रहते हैं. जैसे हमारे पैरों का यूज़ करते चलने के लिए, वैसे एनिमल्स भी करते हैं. अभी ऐसा तो होता नहीं कि एनिमल बस एक ही जगह बैठे हैं, स्टैचू तो नहीं है. अब वो चलते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं हमारे जैसे, है ना, तो वो चलते भी हैं. ठीक है ना, ओके. तो करना हमने ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मूवमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स यूज द हेल्प बॉक्स. हमेशा की तरह हमारे पास क्या है, आज भी एक हेल्प बॉक्स है. ठीक है, ये आपको हर चैप्टर में मिलता है. इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, इसकी हेल्प से हमको ये करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, इनको क्या करना है, ये क्या लिखा है, एनिमल्स के नेम लिखे हैं. बस हमको हेल्प बॉक्स की हेल्प से, हेल्प बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन है, उससे हमने ये करना है कि कौन सा एनिमल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है. बस ढूंढ के हमें यही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है. ठीक है ना, चलो तो समझ में आ गया ना क्या करना है. हेल्प बॉक्स है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, एनिमल्स के नेम है, 1 2 3 4 5 6. आपको क्या करना है, बस एनिमल के नेम पढ़ना है और हेल्प बॉक्स में से ये ढूंढना है कि कौन सा एनिमल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है. ओके, ऑल क्लियर ना, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द फिश. फर्स्ट क्या है, द फिश मीन्स मछली. ठीक है ना, अब मछली क्या करती है, अब हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमने क्या करना है, राइट चीज़ यहाँ पे लिखनी है. आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आंसर ऑलरेडी सबके लिखे हुए हैं. सो आंसर इज स्विम्स. स्विम मतलब तैरना, है ना. मछली का मूवमेंट क्या होता है, मछली तैरती है. मछली उड़ती तो नहीं है, है ना, या फिर मछली उछलती कूदती तो है नहीं यहाँ से वहाँ. क्या करती है मछली, तैरती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विम्स. ठीक है, स्पेलिंग क्या है, SWIMS, स्विम्स, SWIMS, स्विम्स. ओके, तो द फिश का आंसर क्या हो जाएगा, स्विम्स. गॉट इट, ओके. नेक्स्ट सेकेंड द फ्रॉग, मेंढक. ठीक है, अब मेंढक का मूवमेंट क्या होता है,
आंसर इज लीप्स, एल ई ए पी एस, लीप्स। लीप्स का मीनिंग क्या होता है? लाइक उछलना कूदना है ना, उछलना, छलांग लगाना, इस टाइप का मीनिंग होता है लीप्स का। तो करेक्ट है। मेंढक क्या करते हैं? मेंढक थोड़ी ना पानी में तैरता है, रहता है बट वो तैरता थोड़ी ना है। मेंढक क्या है? उछलता कूदता है, कितनी बड़ी छलांग लगा देता है ना, बहुत ऊपर तक उछलता है, फिर धड़ाम से गिरता है। देखा होगा ना मेंढक को उछलते कूदते। तो वो जो उसका मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लीप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीप्स। समझ आया? एल ई ए पी एस, ठीक है ना? ओके, नाउ थर्ड, द कंगारू। कंगारू, कंगारू कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, है ना? अच्छा ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, हमारे यहाँ भी रहते हैं ऐसा नहीं है, पर सबसे ज़्यादा वहीं पर रहते हैं, ठीक है? अब कंगारू का मूवमेंट क्या होता है? आंसर इज होप्स, एच ओ पी एस, होप्स, ठीक है? इसका मीनिंग भी क्या होता है? छलांग लगाना। कंगारू का, कंगारू ऐसे लाइफ तो हमें देखने मिलते नहीं हैं। अगर आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा तो आपने देखा होगा कंगारू का जो ऐसा बेबी होता है तो ऐसे अपने उनके पेट में ही वो वैसे चिपका चिपका कर रखते हैं और क्या ऐसे घूमते हैं, छलांग लगाते हैं। तो वो नॉर्मली क्या छलांग ही लगाते हैं ना, छलांग लगाते हैं कंगारू यहाँ से वहाँ, उनका मूवमेंट छलांग टाइप का ही रहता है। तो द कंगारू आंसर इज़ होप्स, एच ओ पी एस, ठीक है ना? कंगारू का जो मूवमेंट होता है वो होप्स होता है। ओके, नाउ फोर्थ इज द पैरट। पैरट मीन्स तोता, और पैरट तो बहुत सारे लोगों के घर में होता भी है। इनफैक्ट अभी मेरा वीडियो जो भी देख रहा होगा मोस्टली लोगों के यहाँ पैरट होगा ही होगा। मेरे घर पे भी था बट अब नहीं है, ठीक है? तो पैरट क्या करता है? क्या पैरट तैरता है? क्या पैरट छलांग लगाता है? क्या क्रॉल्स करता है? क्या करता है पैरट? आप बताओ, आंसर दो। आप बिल्कुल चीटिंग मत करना, बिना देखे आंसर दे दो। वेरी गुड, फ्लाइज, है ना? उड़ता है हवा में पैरट। पैरट के पास क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंख की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं? जितने भी बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, है ना? पैरट क्या है? एक बर्ड है। और बर्ड क्या होते हैं? बर्ड क्या करते हैं? उड़ते ही तो हैं, है ना? तैरते थोड़ी ना है। तो आंसर इज फ्लाइज, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। ओके ओके, नाउ फिफ्थ, द स्नेक। ओहो, स्नेक बहुत डेंजर होता है भाई, मेरे को तो बहुत डर लगता है इससे। हाँ, तो अब किस में आते हैं हम? स्नेक के मूवमेंट में, ठीक है ना? कैसा मूवमेंट करता है स्नेक? क्रॉल्स। क्रॉल्स का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? धीरे धीरे चलना, सरक सरक सरकना, है ना? सरकता ही तो है स्नेक, छलांग तो लगाता नहीं है, फिर उड़ता भी नहीं है, तैरता भी, तैरता ऐसा पानी में जो रहते हैं तो पानी में भी वो वैसे ही चलते हैं, तैरते तो नहीं हैं, लेकिन इसका जो मूवमेंट होता है वो क्रॉल्स होता है, लाइक सरकना, है ना? सरक सरक के चलना। तो स्नेक का मूवमेंट क्या होता है? क्रॉल्स, सी आर ए डब्ल्यू एल एस, क्रॉल्स, सी आर ए डब्ल्यू एल एस, ठीक है ना? ओके, नाउ सिक्स इज द हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, है ना? तो हॉर्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? गैलोप्स, जी ए डबल एल ओ पी एस, गैलोप्स। गैलोप्स का मीनिंग होता है, गैलोप्स का मीनिंग होता है वही हॉर्स लाइक, हॉर्स जैसे ही चला, हॉर्स कैसे टपक टपक चलता है ना, तो जो उसका मूवमेंट होता है हॉर्स का उसको ही गैलोप्स कहते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर हॉर्स के मूवमेंट के लिए ही ये वर्ड बनाया गया है, जिस वे में हॉर्स चलता है। अब हॉर्स को चलते सबने देखा होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, घोड़े को चलते देखा ही होगा, है ना? कहीं ना देखा हो तो शादियों में तो हमें घोड़े वैसे ही मिल जाते हैं देखने के लिए, है ना? तो चलते तो देखा होगा, ठीक है? तो जो हॉर्स का मूवमेंट होता है उसको गैलोप्स ही कहते हैं, ठीक है? अब एक बार देखो, ये है फिश का इमेज नंबर वन, नंबर टू फ्रॉग का इमेज, नंबर थ्री कंगारू का इमेज, नंबर फोर पैरट की फ़ोटो बनी है ये,
5 में स्नेक की फ़ोटो बनी है ये, एंड लास्ट ये हॉर्स की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? सबकी पिक्चर देख लो, सबको पहचान लिया ना कि ये क्या होते हैं, है ना? ओके, क्लियर हो गया ना? चलो ओके, नाउ इसको और देख लेते हैं। डू यू नो में फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट क्या सेंटेंस लिखा है ये, द क्रोकोडाइल स्विम्स। क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ। इसमें क्या है, इसमें लिखा है द क्रोकोडाइल स्विम्स, जो मगरमच्छ होता है वो तैरता है। ठीक है, पता है ना सबको, मगरमच्छ तैरता है। ठीक है ना, जो मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का जो मूवमेंट होता है वो स्विम्स होता है। ठीक, सेकेंड इज द स्नेल क्रॉल्स। स्नेल का मीनिंग आप पूछोगे क्या होता है, तो स्नेल का मीनिंग होता है घोंगा। कभी देखना घोंगा कैसा दिखता है, छोटा सा होता है, उसको उसके सिर पे ऐसा मुड़ा हुआ सा कलगी टाइप छोटी सी रहती है, और बॉडी ऐसी मुड़ी हुई सी रहती है, और बहुत धीरे धीरे सरकता है, जैसे कि स्नेक सरकता है ना, स्नेक का मूवमेंट क्रॉल होता है ना, वैसे घोंगा होता है, उसका मूवमेंट भी क्रॉल्स ही होता है। ठीक है ना, तो डू यू नो मैं आपको क्या बताया है, दो और ऐसे एनिमल बताए हैं जिनके मूवमेंट बताए हैं। तो क्रोकोडाइल भी क्या करता है, स्विम करता है, और जो स्नेल होता है, घोंगा होता है, तो वो क्या करता है, वो क्रॉल करता है, वो भी सरकता है। ठीक है ना, अगर आपने स्नेल नहीं देखा होगा तो गूगल में स्नेल टाइप करना, तो इमेजेस आ जाएंगी, तो आप पता चल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा ये भी कि हाँ मैंने ये देखा है। ठीक है ना, तो वो आपको उसकी इमेज देखना, इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसका PDF आपको क्लासरूम ऐप में मिल जाएगा, और मैंने वीडियो में तो वैसे भी क्लियर कर ही दिया है, और उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, कि ये हमारा ये लास्ट चैप्टर है, अब हमने इसके आगे नहीं पढ़ेंगे टर्म 1 के लिए, अब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी इतनी ही करनी है। ठीक है ना, ओके, इफ़ कोई डाउट हो तो क्लासरूम ऐप में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में ही कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसी में ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।